नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल पे ही आपका जो बिजली बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। जो आपके घर में बिजली बिल आता है तो आप उसको घर बैठे मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बिजली बिल ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से आपको जो है बिजली बिल डाउनलोड करना है और बिजली बिल आप जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ये लाइक का बटन दबाकर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपके मोबाइल में जो क्रोम ब्राउज़र होता है आपको उस पर आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे दोस्तों आने के बाद आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि झारखंड का आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको झारखंड का चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको लिखना होगा झारखंड, JHAR झारखंड, आप देख सकते हैं झारखंड PCL, आपको इस तरीके से आप देखना, मैं जो लिखा हुआ है मेरे यहाँ पे सर्च बार में, तो आपको झारखंड PCL लिख के यहाँ पे सर्च कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है झारखंड का ये जो साइड आ गया है, तो आपको ये ऊपर वाले फर्स्ट वाले पे ही इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है झारखंड की जो है ऑफिशियल आप देख सकते हैं साइट खुल गई है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। तो ये जो झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है, अब आपको इसको यहाँ से ऐसे डेस्कटॉप साइट पर कन्वर्ट कर लेना है। तो दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा ऐसे खिसकाएंगे ऊपर की तरफ, स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, ऊपर से आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो आप देखेंगे यहाँ पे कंज्यूमर सर्विस के नीचे जस्ट यहाँ लिख के आ रहा है बिल पेमेंट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिख के आ रहा है ऑनलाइन पेमेंट व्यू हाई टेंशन बिल। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन बिल पेमेंट पे ऐसे ये वाले पे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस पर ऐसे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये देखिए, आप देख सकते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों, ये सर्च बिल पे आपको ऐसे क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है बिल नंबर और कंज्यूमर नंबर। तो आपको पास जो भी है, आपका बिल नंबर हो या कंज्यूमर नंबर हो, तो आप सेलेक्ट कर लें। तो मैं आपको अभी कंज्यूमर नंबर से करके बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है अपना कंज्यूमर नंबर एंटर कर देना है। तो मैं आपको कंज्यूमर नंबर एंटर करके बता देता हूँ। इस तरीके से आप भी यहाँ पे अपना कंज्यूमर नंबर एंटर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपका जो एरिया लगता है, आप इस तरीके से अपना एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका एरिया लगता हो इस तरीके से आप एरिया सर्च कर लें। आपका एरिया जो भी हो, आप एरिया सेलेक्ट करने के बाद, इस तरीके से एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबमिट के बटन पे आपको इसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है कंज्यूमर बिलिंग डिटेल्स। तो ये कंज्यूमर की जो है पूरी बिल डिटेल आ गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि अप्रैल, मार्च, फरवरी, इस तरीके से आपको हर मंथ का यहाँ पे दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ व्यू के ऑप्शन पे इस तरीके से, ये व्यू के ऑप्शन पे से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, आप देख सकते हैं कि जो आपके घर पे जो बिल आता है उसी तरीके से ये जो बिल है पूरा आपके सामने आ गया है। इस तरीके से पूरा बिल आपके सामने है। तो आप इसका यहाँ से ऐसे दोस्तों यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ लिख के आ रहा है बिल प्रिंट, और यहाँ पे आप ऑनलाइन यहीं से पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट लिख के आ रहा है, NEFT से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने आपको झारखंड का बता दिया है। तब मैं इसको कर लेता हूँ दोस्तों बैक। अब मैं आपको दूसरे स्टेट का बता देता हूँ। तो दोस्तों, सेम इस तरीके से आपको यहाँ पर, आपको जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको बता देता हूँ बिहार का सर्च करके, तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है BIHARPCL, ऐसे आपको सर्च करना है और आप यहाँ पे ऐसे सर्च कर देंगे। तो आप देखेंगे फर्स्ट पे ही जो ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए आप, ये लिख के आ रहा है। तो आपको इस पर ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है बिहार की जो है ऑफिशियल जो है यहाँ पे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे इस तरीके से जो है खुल गया है। तो आप दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट
ऑफ बिल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बोर्ड आ रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ लिख के आ रहा है, नॉर्थ लिख के आ रहा है, जो भी आपका बोर्ड लगता हो। तो मैं अभी आपको यहाँ पे क्लिक करके बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे ये लिख के आ गया साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है ऑफिशियल साइट खुल गई है। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मेन्यू के बाजू में आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा इंस्टेंट पेमेंट का ऑप्शन। इस तरीके से आपको इंस्टेंट पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देगा। एक देगा प्रिंट रिसिप्ट का, जो आपने बिल जमा किया उसका रिसिप्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लिख क्या रहा है व्यू एंड पे बिल, तो आपको इस पर ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है कृपया उपभोक्ता संख्या डालें। तो जो आपका कंज्यूमर नंबर है उपभोक्ता संख्या आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये हो गया, बिहार के दो बोर्ड हैं, तो आपका जो भी बोर्ड है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए मैं आपको यूपी का भी बता देता हूँ सर्च करके। तो यूपी के लिए दोस्तों आपको लिखना है यहाँ पे यूपी PCL और आपको ये सर्च कर देना है। तो इस तरीके से यूपी PCL आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है अकाउंट नंबर डालने के लिए। तो दोस्तों मेरे पास तो अकाउंट नंबर होगा नहीं, अगर आप यूपी से हैं तो आपके पास अकाउंट नंबर होगा, तो आप यहाँ पे वो अकाउंट नंबर एंटर करके ये कैप्चर कोड यहाँ पे एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका पूरा डिटेल जो है सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है यूपी वाले भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसको बैक कर लेता हूँ, अगर आपका यहाँ से भी नहीं आता है तो मैं एक और आपको साइट बता दे रहा हूँ। तो ये है यूपी की जो ऑफिशियल साइट, आप एक और देख सकते हैं। तो यूपी का जो भी जो बिजली विभाग का काम होता है वेबसाइट से होता है, तो आप यहां से पूरी डिटेल और भी ज़्यादा तरीके से सर्च कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अप्लाई फॉर द न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जनपद कनेक्शन, इस तरीके से ये भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों सेम है, अगर आप और भी स्टेट के अपने सर्च करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने जो स्टेट का नाम लिखना है और PCL यहाँ पर सर्च कर देना है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपने यहाँ का जो बिल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।